क्या है दोस्तों, ऑटोमोटिव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ गाड़ी खड़ी है वो है बहुत स्पेशल, बिकॉज नेक्सा के लिए एक लीडिंग कार है, हॉट सेलर है और हैचबैक सेगमेंट जो एक्साइटिंग बनाती है ये वो गाड़ी है। और इसके अंदर ऐसे फीचर्स ऐड करे गए हैं जो सेगमेंट फर्स्ट है और काफी कुछ नया है। तो वेट किसकी कर रही है, देखते हैं क्या है नया मारुति सुजुकी नेक्सा बलेनो, द न्यू बलेनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले आगे ही खुद ही दिख गया होगा कि लाइटें बिल्कुल नई है, फ्रंट फेशिया बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है। जी हाँ, उन्होंने इस जो ओवरऑल शेप है वो मेंटेन करी है बलेनो की, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है, जनरेशन चेंज नहीं है। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको और कुछ चेंजेस मिलेंगे, और जो चेंजेस है काफी तगड़े और काफी बड़े चेंजेस हैं। सबसे पहले जो DRL है काफी सुंदर लग रहे हैं, ये जो हेडलैम्प्स हैं बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ये LED DRLs हैं, LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैम्प्स, बिकॉज ये टॉप मॉडल है। हम चला रहे हैं सुबह से, जो है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट इसका जो ट्रांसमिशन है, ये दो ट्रांसमिशन में मिलेगी आपको गाड़ी, मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS जो ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन है। हमने अभी AGS चलाई है, तो जल्दी से डिजाइन चेंजेस देख लेते हैं और फिर गाड़ी की बात करेंगे इंटीरियर की और ड्राइव कैसी है, क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सुजुकी का लोगो काफी बड़ा हो गया और उस लोगो के साइड में आपको एक कैमरा दिख रहा होगा। ये पहली गाड़ी है हैचबैक सेगमेंट में जिसमें आपको 360 डिग्री कैमराज मिलते हैं, यानी कि चार कैमराज हैं। फ्रंट में एक कैमरा है, साइड व्यू मिरर्स में दो कैमरा है और रियर में भी कैमरा है। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं, आपको ये हेडलाइट चेंज हो गई है, फॉग लैंप्स जो हैं वो LED हो गए हैं, ग्रिल थोड़ी सी चेंज हो गई है और कैमरा ऐड किया गया है, और वही क्रोम गार्निश है वो है। कलर जो इनका सिग्नेचर ब्लू है बलेनो का, वही कंटिन्यू होता है कि वो रिजेम्बलेंस रहा है गाड़ी के साथ, और वो जो एक पॉपुलैरिटी है बलेनो की वो कंटिन्यू है, कोई नया फ्लैगशिप कलर नहीं निकाला है, उसी के साथ कंटिन्यू किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड पे, जहाँ पे जो हम दिखाते हैं आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो साइड पे आप देख सकते हैं कि जो एलॉयड व्हील का डिजाइन है वो डायमंड कट एलॉयस चेंज हो चुके हैं, ये 16 इंच के टायर्स हैं और आप देख सकते हैं डिजाइन काफी नया है, काफी अच्छा क्रोम और मैट का इसके अंदर फिनिश दिया गया है, वो सब नया दिखता है और अच्छा लगता है। अगर हम गाड़ी की ओवरऑल शेप की बात करें तो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 5 mm कम की गई है, बट उस पे गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं आया कि इंटीरियर स्पेस कम हुआ कुछ हुआ। इससे ये फायदा हुआ कि आपकी 6% मोर एफिशिएंट हो गई है गाड़ी, कोएफिशिएंट ड्रैग जो है गाड़ी का एरोडायनामिक्स वो 6% कम हो गए हैं, ये काफी थोड़ा सा चेंजेस करके, बिकॉज ये टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स के साथ आती है गाड़ी, तो काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर में और बॉडी में। तो उसके लिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जो डिज़ाइन चेंज आया है उसमें सिर्फ 5 मीटर का चेंज आया है, इसका थोड़ा सा जो ओवरऑल हार्टटेक प्लेटफॉर्म है उसको ओवरऑल और स्ट्रेंथन किया गया है और बेटर बनाया गया है, और सेफ्टी मेजर्स में क्रोम फिनिश रन कर रही है टिल द लास्ट विंडो पेन, और हैंडल्स दोनों क्रोम है, आगे के बटन कीलेस एंट्री के लिए दोनों बटन दिए गए हैं। बाकी शेप और ओवरऑल डिज़ाइन बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा, एंटीना भी जो पहले आता था वैसा ही है, कोई शार्क फिन एंटीना नहीं ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि फ्रंट में बिल्कुल चेंज है लाइट्स LED सेक्शन, वैसे ही यहाँ पे भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो लाइट अगर आपको याद हो तो छोटी सी यहाँ लाइट होती थी और वहाँ पे वो छोटे छोटे LED बल्ब होते थे, वो चेंज हो गया है, काफी बड़ी सी लाइट हो गई है और बॉडी में रन कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे तक जा रही है लाइट, क्रोम फिनिश जो आपको मिलती थी वो मिल रही है, यहाँ पे एक कैमरा और ऐड हो गया, तो टोटल हो गए हैं 4 कैमरा 360 डिग्री व्यू देने के लिए। 360 डिग्री व्यू कैसा है, कैसे काम करता है, कैसे ऑन होता है, वो सब हम आपको इंटीरियर में दिखाएंगे। बूट खोलने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, आप बटन दबा के बूट खोल सकते हैं, और गाड़ी की की आपके पास होनी चाहिए या गाड़ी अनलॉक होनी चाहिए, उसके लिए सिंपल है। कैमरा के साथ साथ आपको सेंसर्स भी मिलते हैं कि आपको रिवर्स करने में 20 बजे एड हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के थ्रू, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है रिवर्स करते हुए। पीछे आप देख सकते हैं कितना स्पोर्टी स्पॉइलर है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट्स भी हैं जो साथ में जलती है जब आप ब्रेक लगाएं, और आप देख सकते हैं कि बंपर में यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर्स ऐड करे गए हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, कि अगर गाड़ी की लाइट ऑन नहीं है किसी भी कारण से, गाड़ी पार्क्ड है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर काफी एड करते हैं, पीछे से कोई आ रहा हो तो गाड़ी की रिफ्लेक्टर्स चमक के बता देते हैं गाड़ी खड़ी हुई है। तो टॉप मॉडल में आपको रियर वाइपर और डिफॉगर भी मिल जाता है, और क्योंकि कीलेस एंट्री है तो सिर्फ एक बटन दबा के आप बूट खोल सकते हैं, और काफी बूट स्पेस अवेलेबल है, पार्सल ट्रे आपके पास है, ये होल्डर है इसको ला के नीचे बंद करने के लिए, आपको ऊपर तक नहीं जाना पड़ेगा, तो आप यहीं हाथ डाल के इसको आराम से बंद कर सकते हैं, पार्सल ट्रे को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर आपको पार्सल ट्रे नहीं चाहिए, तो बहुत आसान काम है और आपको स्पेस मिल जाता है। और क्योंकि ये स्प्लिट 60-40 सीट्स हैं, तो आप इनमें से एक सीट या दोनों सीट लिटा के और बूट स्पेस पा सकते हैं। बूट बंद करने के लिए आपके पास दो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, थोड़ा सा जोर लगेगा बट आराम से बूट बंद हो जाएगी। तो अब गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, जहाँ पे काफी चेंजेस हैं और इंडस्ट्री फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स डाले गए हैं हैचबैक के लिए। तो वेट किसकी करनी है, बैठते हैं अंदर और कुछ नया सा आपको दिखाते हैं।
तो बैठ चुके हैं हम सुजुकी नेक्सा बलेनो के अंदर और इसकी जो खास चीजें हैं वो ज्यादातर इंटीरियर में है। गाड़ी में जब आप बैठेंगे 360 डिग्री व्यू दिया जाएगा कि गाड़ी के आसपास की सराउंडिंग सेफ है कि नहीं। आप उसको प्ले पॉज करके फिर से देख सकते हैं। तो कभी भी देखना है सराउंडिंग्स को, गाड़ी पार्क्ड है तो आप ये व्यू बटन, जो कैमरा व्यू बटन है उसको दबा सकते हैं। इसमें दो तरह के व्यू है, एक तो ओवरऑल 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू देता है गाड़ी का और दूसरा है जो गाड़ी के शेसी के पास की चीजें दिखाता है, जो एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है 360 डिग्री कैमराज। और इसी वजह से ये जो लोग आजकल हैचबैक्स को कम प्रेफर करके वो SUVs और ये छोटी SUVs ये प्रेफर कर रहे थे, वो था कि वो फीचर रिच हो गई थी काफी गाड़ियां, बिकॉज ऑफ कार लाइक बलेनो जो इतना फीचर लेके आ रहा है, इतना स्पोर्टी, इसका एक एजाइल ड्राइविंग है, अच्छा परफॉर्मेंस है, फ्यूल इकोनॉमी तो सबको पता ही है, सेफ्टी फीचर, 6 एयरबैग, ये सब फीचर के साथ ये वो गाड़ियां हैं जो हैचबैक में आपका इंटरेस्ट वापस लेके आती है। मारुति हैज बीन द लीडर विद द स्विफ्ट एंड द बलेनो, ये टॉप सेलर गाड़ियां दोनों 15,000 यूनिट पर मंथ की ऑलमोस्ट सेल करती हैं और विद दिस मॉडल आई एम श्योर ये उससे ऊपर नंबर जाएगा। बट यही एक सिर्फ खास फीचर नहीं है इसका, दूसरा खास फीचर है HUD। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप शुरू हो जाता है HUD फीचर। अब जरूरी नहीं है कि सबको हेड्स अप डिस्प्ले पसंद होता है, तो क्या है कि आप हेड्स अप का बटन जो HUD बटन है वो बंद करके इसको दबाए रखेंगे तो बंद हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आपको खोलना है तो उसको दबाए रखिए बटन को खुल जाएगा। उसके साथ में आपको 3 और बटन मिलते हैं, 2 बटन इसलिए हैं अगर आपको ब्राइटनेस ऊपर नीचे करनी है +10 तक, अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है क्योंकि सब लोगों की हाइट में फर्क होता है, किसी का व्यूइंग एंगल अलग होता है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ये सब दिया गया है कि आप इसका एंगल चेंज कर सके, ब्राइटनेस चेंज कर सके, तो वो सब है। बट ये MMID जो बीच में मीटर के अंदर डिजिटल डिस्प्ले है उसको मिमिक करता है, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से इसमें नेविगेशन आपको नहीं दिखेगी, आपको इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो दिखती हैं, जैसे कि अभी मीटर दिख रहा है डिजिटल और उसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं और गियर कौन सी है, जैसे न्यूट्रल है क्योंकि ये AGS है तो आप ड्राइव मोड पे कौन सी गियर पे चल रहे हैं, या आप RPM मीटर देख सकते हैं, या आप नॉर्मल 0 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो देख सकते हैं। लेकिन यही नहीं है कि ये 3 चीजें ही आते हैं इसमें, जैसे आप दरवाजा खुला होगा तो वो आएगा, सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वो वार्निंग आएगी, सामने लिखा हुआ आएगा सीट बेल्ट पहन लीजिए। तो ये है कि काफी चीजें और भी आती हैं, सिर्फ ये 3 चीजें नहीं है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो हेलो लिखा हुआ आता है, आपको वेलकम किया जाता है, तो वो सब चीजें देख के ध्यान से बनाई गई हैं। हाँ, अगर ओवर द ईयर अपडेट और किसी तरह या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसमें नेविगेशन ऐड कर दी जाए तो वो एक बहुत अमेजिंग फीचर हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादातर गाड़ी नेविगेशन के लिए लेफ्ट या फोन में देखना पड़ता है, वो नहीं देखना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा आपको नेविगेशन दिखती रहे, लेफ्ट राइट लेना है क्या करना है, तो बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा। तो मारुति, दैट्स अ फीडबैक आई वांट टू शेयर, अगर आप ऐड कर सकते हैं इसमें किसी तरह तो इसका वैल्यू फॉर मनी और बढ़ जाएगा इस गाड़ी का। ये सेगमेंट फर्स्ट 9 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम है और काफी इंप्रेसिव है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, आर्केमिस ने इसकी साउंड को ट्यून किया है, तो आपको 3 फीचर्स मिल जाते हैं, डायनामिक, एकूस्टिक, नेचुरल, जिसपे आप ट्यून कर सकते हैं। और अगर आपको अपना फोन लगाना है तो आप एंड्रॉइड ऑटो बटन को दबाएंगे तो आपका मैप आ जाएगा, जो एंड्रॉइड ऑटो के फीचर्स है वो आ जाएंगे। और अगर आपको वापस जाना है मारुति के स्मार्ट प्ले प्रो प्लस में, उसके अंदर आपको जो इंटरफेस है वो भी बहुत क्लीन मिलता है। तो ये सब जो डिटेल में फीचर्स है हम बात करेंगे जब हम फुल रिव्यू करेंगे, फर्स्ट ड्राइव है तो हम सिर्फ बात करने वाले क्विक ओवरव्यू का, और ये सब इसका क्विक ओवरव्यू था। और काफी अच्छा जो इसका लेआउट है डैशबोर्ड का आप देख सकते हैं, 3D स्कल्प्टेड डैशबोर्ड है, ये भी मेरे को एक स्टैंड आउट फीचर लगा है। और ये जो सॉफ्ट टचेस ऐड करे हैं यहाँ पे, थोड़े से लेदर का फिनिश ऐड किया है, कॉन्ट्रास्टिंग इंटीरियर हो गया क्योंकि डोर्स ब्लू है एंड यू हैव क्रोम एलिमेंट्स, ब्लैक पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है, नीचे आपको USB चार्जिंग पोर्ट और लाइटर पोर्ट मिल जाता है, काफी ज्यादा सामान रखने की जगह मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग अभी भी नहीं है बट फोन आपका पूरा आ सकता है। वायरलेस चार्जिंग की मुझे ज्यादा कमी नहीं लगी क्योंकि आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिलता है और पीछे USB टाइप सी और USB A दोनों पोर्ट मिलते हैं, तो लेगेसी पोर्ट्स भी हैं, फ्यूचर पोर्ट्स भी हैं, चाहे आपके कोई भी डिवाइस है आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है जो बहुत अच्छा लगता है चलाने में, बहुत फील आती है, रेसिंग टाइप एलिमेंट्स हैं, बीच में क्रोम फिनिश ऐड करी है वो सब बहुत अच्छा है। स्टेयरिंग में ही सारे कंट्रोल्स हैं आपके, वॉल्यूम के, फोन उठाना काटना, वॉइस असिस्टेंट को लॉन्च करना, इसका अपना इंटीग्रेटेड वॉइस असिस्टेंट भी है जिससे आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं चाहे फोन कनेक्टेड हो या ना हो। और अगर बाकी चीजें आपको मीटर की छेड़नी है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स दिए गए, एक तरफ से ट्रिप मीटर है, एक तरफ से फीचर जो MID का डिस्प्ले है उसके अंदर आपको ड्राइविंग टाइम मिल जाता है, आइडल टाइम मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है और फोर्स सेंसर मिल जाता है, मोशन फ्रंट रियर लेफ्ट राइट, टॉर्क और पावर मीटर मिल जाते हैं, एक्सेलरेशन और ब्रेक का आपको इसमें एक डिजिटली इंटीग्रेटेड डिस्प्ले है जो बताता है, AC ऑटोमेटिक कंट्रोल है तो सारे यहीं पे बटन मिल जाते हैं आपको, प्लस माइनस का और ब्लोअर बनाने का, सब कुछ वेरी सिंपल। जो ORVM है वो ऑटोमेटिक है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैनिटी मिरर दोनों साइड मिलते हैं और दोनों तरफ ही लाइट है, विच इज वेरी नाइस। जी हाँ, जो रूफ पे लाइट है आगे पीछे दोनों तरफ है,
बट येलो लाइट्स हैं, व्हाइट नहीं है, तो व्हाइट वुड हैव बीन नाइस, व्हाइट एलईडी अगर होती। ग्लव बॉक्स में काफी ज्यादा स्पेस है और साथ में आपको मेडिकल किट भी मिलता है। आई एम नॉट श्योर इंक्लूडेड होता है या टॉप मॉडल में होता है, इसका नहीं पता, बट दिस इज केप्ट इन द कार, सो आई एम अज्यूमिंग की गाड़ी के साथ ही आता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंफर्ट गाड़ी का, आपको बैठ के कैसा लग रहा है। जो हेडरेस्ट है वो भी कितना स्पोर्टी और पतला सा कर दिया, इट्स लाइक अ विंग हेडरेस्ट, बहुत सही लग रहा है। सीटिंग मैं कह रहा हूँ बैठते ही ऐसे लगे किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं, एकदम साइड से स्कल्प्टेड है, पतली सी है, बहुत ही फील वाली है, और फैब्रिक काफी अच्छा है, जो मिक्सर है फैब्रिक का वो अच्छा है। बिकॉज ऑफ द स्टेयरिंग, बिकॉज ऑफ द एचयूडी डिस्प्ले, the 360 degree cameras, these sculpted seats, you feel like you're in a very good sporty car. और वो आपको चलाने में कैसी लगती है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ, वो हम ड्राइव में बात करेंगे। बाकी स्पेस की मैं बात कर लेता हूँ, दो कप होल्डर इधर हैं, दरवाजों में कप होल्डर हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के नीचे, ज्यादा नहीं है बट एक वॉलेट तक आ सकता है। हैंड ब्रेक नॉर्मल है जैसे होती है, कोई ऑटोमेटिक नहीं दी गई है, बट वेल डन बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी इंटैक्ट एंड वेरी नाइस, जो मिक्सर है सब चीजों का, कंफर्ट का, सब कुछ। ड्राइव में बाकी बात करते हैं, पीछे बैठ के देखते हैं पीछे का कंफर्ट कैसा है, बिकॉज मैं आगे की सीट से बहुत इंप्रेस्ड हूँ, रियली रियली लाइकिंग इट। तो अब हम पीछे आके बैठ चुके हैं और पीछे की सीट्स भी वेरी वेल डन, स्कल्प्टेड है, अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट है, काफी अच्छा हेडरूम आपको मिल जाता है, हेडरेस्ट काफी कंफर्टेबल और बड़े हैं तो आपको पूरा कवरेज मिलता है, दोनों साइड आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इजीली आप बैठ सकते हैं, तीन लोग अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, बट पीछे तीसरे बंदे के लिए जो बीच में बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट नहीं है और थोड़ा सा सेंट्रल टनल की हाइट है। हेडरेस्ट की जो मैं बात कर रहा था, आगे वाले हेडरेस्ट यहाँ से काफी बड़े और व्यू ब्लॉकिंग है बिकॉज काफी लंबे हैं, लेकिन फिर भी आप साइड से देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट इट इज अ व्यू ब्लॉकिंग हेडरेस्ट, ये आप सीधा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि काफी ऊंचा है, ऑलमोस्ट रूफ टच कर रहे हैं। बाकी आगे की सीट्स यहाँ से पीछे बैठ के भी बहुत सुंदर लग रही है, वेल स्कल्प्टेड। अगर पीछे बात करें तो आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ना ही उसके साथ कोई कप होल्डर है क्योंकि आर्मरेस्ट नहीं है, बट आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं जो आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आपको एक तरफ पे को पैसेंजर सीट के साथ में आपको मैगजीन होल्डर वाली पाउच भी मिलता है। डोर्स में आपके पास जगह है बॉटल्स रखने का, सामान रखने का। नीचे आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, एक यूएसबी टाइप सी और एक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट, और दोनों ही फास्ट चार्जिंग है, विच इज वेरी नाइस। मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी, लेगेसी और फ्यूचर दोनों है। उसके नीचे आप फोन नहीं रख सकते बट कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, टिकट विकेट। अगर मैं अपराइट पोजीशन में बैठूं और ये जैसे 5'10" या 6 feet के लिए सेट है सीट, तब भी मेरे पास काफ़ी जगह बचती है, काफ़ी फुट रूम है, अंडर थाई सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी हद तक अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। अगर आप फुट ऊपर करके बैठे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वेरी वेल डन, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। अब करते हैं ड्राइव, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट ड्राइव ऑफ सुजुकी नेक्सा बलेनो, चलाते हैं और बताते हैं गाड़ी है कैसी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। डीजल इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको जो इंजन ऑप्शन मिलता है वही है वो के सीरीज डुअल जेट डुअल वीटी इंजन जो मारुति का है। ऑब्वियसली मारुति इसको बोल रहा है कि उन्होंने ट्वीक किया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। तो आपको इसमें मिल जाता है 113 न्यूटन मीटर टॉर्क और आपको पावर मिल जाती है 66 किलोवाट की। अगर आप ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी लेते हैं तो आपको लगभग 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। अगर आप AGS के साथ जो ऑटो गियर शिफ्ट या ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं वो लेते हैं तो लगभग 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको मिल जाती है। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है और जो AGS है काफी वेल ट्यून्ड है फ्यूल इकोनॉमी के लिए। और इसी रीजन की वजह से अब आपको सिर्फ 5-speed मैनुअल और इम्प्रूव्ड ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन मिलता है। CVT गियरबॉक्स ऑप्शन अब जा चुका है और CVT चाहे सबको बहुत पसंद हो या स्मूदर लगता हो या बेटर लगता हो, CVT हटाने के काफी रीजंस हो सकते हैं। मुझे जो लगता है CVT हटाने का पहला रीजन ये है कि AGS मारुति की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, साथ में कॉस्टिंग उसकी कम है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो मारुति जैसे कोई सिलेरियो लेता है ऑटो गियर शिफ्ट के साथ, जब वो अपनी नेक्स्ट गाड़ी लेना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो उसको बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा AGS से AGS मूव करने में। तो आपको एकदम से AGS से CVT पे शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, तो ये एक चीज भी ध्यान में रखते हुए मारुति ये कर सकता है। अब ड्राइव की बात कर लेते हैं कि AGS में क्या फर्क है, क्योंकि हमने पहले AGS चलाई है और थोड़ी सी देर मैनुअल भी चलाई है। AGS के अंदर आपको थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट जिसे कहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में जब गियर शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि लैग हो रहा है, थोड़ा सा झटका जो कहते हैं जिसको, थोड़ा सा माइन्यूट सा, अब वो काफी इम्प्रूव हो गया है। ऐसा नहीं है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ AGS में था, वो सिलेरियो में भी हमने देखा है काफी इम्प्रूव हो गया है, तो न्यू सिलेरियो में सिमिलरली इसमें और भी ज्यादा रिफाइंड हो गया है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है बट ऑब्वियसली थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट है। और अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो आपको थोड़ा सा पेडल तेज दबाना पड़ेगा कि वो जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करे, बट आफ्टर ऑल इसके अंदर आप मैनुअली भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर्स नहीं है, पर आप ऑब्वियसली
गियर लीवर को पकड़ के जो मैनुअल मोड में जाके प्लस माइनस कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा करने में, बट आप ये कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एंथुजियास्ट और आपको टू द पॉइंट गियर शिफ्टिंग चाहिए तो आपके लिए मैनुअल गियर शिफ्टिंग बेटर रहेगी। अदर देन दैट जो मेजर क्वेश्चन आता है सेफ्टी पे गाड़ी की, और काफी चिन्ह लगते हैं कि मारुति ने सेफ्टी में इस बार क्या किया है पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मारुति ने हार्टटेक प्लेटफॉर्म की फिफ्थ जनरेशन है काफी इंप्रूव किया है। इसके अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो भी एक्सटेंसिवली इंप्रूव हुई है। अब टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एंड कर्टन वाले, और साथ में इसके आप ESP मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, जो बेटर सेफ्टी फीचर्स ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। अगर आप टॉप मॉडल नहीं भी लेते हैं तो आपको नेक्सा सेफ्टी शील्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको डुअल एयरबैग मिलते हैं, ABS विद EBD मिलता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलते हैं, पार्किंग सेंसर मिलता है, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है, जो अक्रॉस द वेरियंट्स आप सब गाड़ियों में आपको मिल जाता है। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो आपको नेक्सा ब्लू, जो ये गाड़ी हमने अभी चलाई है, नेक्सा ब्लू कलर में मिलती है, ऑपुलेंट रेड, ग्रैंडियर ग्रे, बेज, स्प्लेंडेड सिल्वर और आर्कटिक व्हाइट में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। जो बेस मॉडल है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है वो है सिग्मा, 6,35,000 रुपए का एक्स शोरूम। और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में ऊपर जाते हैं तो आपको मिल जाता है डेल्टा, जो 7,19,000 का है, उसके बाद जीटा जो 8,09,000 रुपए का है, और उसके बाद आखिरी मॉडल है अल्फा जो है 8,99,000 रुपए। और सिमिलरली ऑटो गियर शिफ्ट और AGS की बात करें तो सिग्मा मॉडल में आपको नहीं मिलता है AGS, शुरू होती है उसकी डेल्टा से, डेल्टा पड़ता है आपको 7,59,000 रुपए का, जीटा मिलता है आपको 8,60,000 रुपए का, और अल्फा पड़ता है आपको 9,50,000 रुपए का एक शोरूम। जो बिल्कुल टॉप मॉडल है अल्फा AGS का वो लगभग 9.5 लाख रुपए का है, और मैनुअल ट्रांसमिशन अल्फा 9 लाख रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में सिर्फ 50,000 रुपए का फर्क रह गया अल्फा मॉडल्स में, और हैचबैक में एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है क्योंकि अब VW की पोलो बंद हो चुकी है, बचती है आपके पास Hyundai की i20, i20 N-Line, और काफी लिमिटेड सी ऑप्शंस रह गई है हैचबैक में। ऑब्वियसली स्विफ्ट तो है ही, उस हिसाब से देखते हुए बहुत ही इस टाइम की सबसे फीचर रिच हैचबैक ये बन जाती है। तो हमारी तरफ से मारुति सुजुकी बलेनो को थम्स अप। तो बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ और गाड़ी के बारे में जानना है तो हम अपने फुल रिव्यू में उसको कवर करेंगे। आप अपने सारे क्वेश्चंस फीडबैक इस नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पे भी रीच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ऑटोमोटिव ब्लॉग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।